a block of weight 1 newton rest on an inclined plane of inclination theta. तो ये एक ब्लॉक है, 1 न्यूटन इसका वेट है, थीटा इंक्लिनेशन पे, इंक्लाइन प्लेन पे है. द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड इंक्लाइन प्लेन इज म्यू. तो यहाँ पे जो सरफेस है, इन दोनों सरफेसेस के बीच में जो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है वो म्यू दिया है. मिनिमम फोर्स दैट हैज़ टू बी अप्लाइड पैरेलल टू द इंक्लाइन प्लेन टू मेक द बॉडी जस्ट मूव अप द प्लेन इज. तो आप कितना फोर्स लगाएं इसको ऊपर की डायरेक्शन में कि जस्ट ऊपर चलने लगे. जस्ट ऊपर चलने वाले लगने वाली कंडीशन में जितना फोर्स ऊपर लगेगा डियर स्टूडेंट्स उतना ही नीचे लगेगा, बैलेंस फोर्सेज होंगे. जब जब फोर्स बैलेंस होंगे तो बॉडी या तो रेस्ट पे रहेगी या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलेगी, ठीक है ना, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से. तो यहाँ जस्ट ऊपर चल रही है तो हम मान लेते हैं कि नेट फोर्स जो है वो बैलेंस्ड है. तो बैलेंस्ड है तो नेट फोर्स क्योंकि ऊपर जा रही है ना, तो ऊपर जाने के लिए वाला फोर्स, नीचे लगेगा एम जी साइन थीटा क्योंकि इधर लग रहा है एम जी, है ना. तो यहाँ आ जाएगा एम जी कॉस थीटा और यहाँ आ जाएगा एम जी साइन थीटा. क्योंकि ऊपर जा रहे हैं तो फ्रिक्शन लगेगा नीचे, तो वो कितना लगा, म्यू एन. तो देख लो एम जी की वैल्यू बन है ना डियर स्टूडेंट्स. तो इक्वेशन लिखो एफ इक्वल्स टू म्यू एन प्लस एम जी साइन थीटा. अब एन की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, एम जी कॉस थीटा. तो म्यू एम जी कॉस थीटा एम जी साइन थीटा, एम जी का मतलब 1 न्यूटन. वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और आंसर आ गया हमारे पास. थैंक यू फॉर वॉचिंग.